तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जय सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम जींद अपने ऑफिस पे हाँ और बेरोजगारी की समस्याओं को लेकर बात करें। सबसे बड़ा आज का विषय है हरियाणा पुलिस और शुरू से आखिर तक हमारे दीपक लाठर जी हमारे साथ हैं। सर नमस्कार। राम राम भाई। सारे भाई भाई जो भी भाई हैं बहन हैं सबको राम राम। और ठीक ठाक हो जमा पिटा जी। मेरे साथ कुछ भाई ये भी आ रहे हैं, कुछ भाई साइड भी हैं और कुछ भाई पीछे भी खड़े हैं जो कैमरा फोबिया है उनका। अंधे नहीं भैया क्या? राम राम ले लिया। राम राम जी। राम राम। राम 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 राम। कहाँ से आए हो आप? कुरुक्षेत्र से। कुरुक्षेत्र से। रेवाड़ी से जी। रेवाड़ी से। भिवानी। भिवानी से। भाई साहब कहाँ से? राम राम जी। मैं हिसार से। हिसार से। रेवाड़ी से जी। रेवाड़ी से। तो भाई सारे भाई हरियाणा पुलिस के हैं और इनके वो सवाल जो इमेजिनेशन में है कि भाई हम इतनी इतनी अलग अलग जगह से आए हैं और हम सोचा है कि चेयरमैन साहब से हमारे सवाल हो जाएं जी, आप हमारे सवाल ओएसडी साहब से पूछ लो। मैंने इनको ये कहा कि भाई किसी बड़े अधिकारी से किसी एक जॉब से रिलेटेड एक दो सवाल हो सके हैं। इतने सवाल मैं भी नहीं पूछ सकता लेकिन निष्कर्ष यूँ निकला भाई आप अपने सवाल यहाँ पर इस टाइम हमारे से बता दो। वो वीडियो हम पर्सनली उनका लिंक हमारे ओएसडी साहब के पास ही पहुँचा सका, चेयरमैन साहब के पास ही पहुँचा सका, वो खुद देखें और मेंटली प्रिपेयर होकर अगर जैसे समाधान हो तो वो समाधान भी करें। लेकिन इनके दर्द हैं वे, सवाल हैं वे। देखो सर, पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा क्योंकि आपने जो ये बेरोजगारों का जो दर्द है, मेरा धन्यवाद करो भाई। यह जो सीरीज है यह बहुत सही है सर। एक्चुअली में इस सीरीज की बहुत ज़रूरत थी हरियाणा में। भाई सर ने एक सीरीज शुरू करी है जिसमें जो अलग अलग मुद्दे हैं छात्रों के जो कहीं अपनी बात रख नहीं पाते वो अपना जो स्टेप अप जय सर चैनल है इस पर रखे जाऊंगे बेरोजगारों का दर्द नाम थे। अरे ये तो हुए हैं जो अपने भाई जो रोजगार है लेकिन फिर भी बेरोजगार हैं क्योंकि हरियाणा पुलिस में सिलेक्टेड हैं लेकिन फिर भी कुछ नहीं है, घर पे ही बैठे हैं। तो जो आप या इतने भी देखो अलग अलग जगह थे जो भाई आए हैं ये एक आस है। आप मैं आपका धन्यवाद इसलिए करूं क्योंकि हमने भी आप तैयार से बालक तुम्हारे भी टक रहे हैं तो इसलिए आप थोड़ी सी वो कर रहे हैं। और सारे जिस भी बच्चे का इस वीडियो का माध्यम से जैसे ये बच्चे आए हैं जिसने जो भी दिक्कत है भाई कोशिश है हमारे जगदीप सर की कि उनकी दिक्कत का निवारण किया जाए जो पॉसिबल होगा। पॉसिबिलिटीज है भाई आगे तक हम बात पहुँचा सकें, बाकी तो यही है भाई। दुख दर्द बांट लेंगे तो अड़का हो जाएगा भाई। तो यहाँ पे जो ये मेरे भाई बैठे हैं एक्स सर्विसमैन भी हमारे साथ हैं और ये वो भाई हैं जिनके माँ बाप कोई गजटेड पोस्ट पर नहीं है। अब अगर मैं डिटेल बताऊंगा तो वीडियो घनी लंबी हो जाएगी। तो कोई गजटेड पोस्ट पर नहीं है, मजदूरी और किसानी है और किसानी भी कोई 250 एकड़ ज़मीन की नहीं है, वही आधा पौना एकड़ ज़मीन की है। और ये वीडियो बनाने का उद्देश्य भी यो है, खट्टर साहब ने बालक पढ़ाने तो सिखा दिए लेकिन नौकरी लाने में समस्याएं आ रही हैं। पंगा तो ले लिया भाई, हाँ ज्ञानवान तो बना दिए, आज वो ज्ञान इतना हैवी हो गया वो भी बेरोजगारों की सीमा में आ गया। 2014 से 19 तक तो सरकार ने लगाए बतेरे बालक, बहुत वो भर्ती बहुत अच्छा था, बहुत शानदार, कोई रोड़ा नहीं था। लेकिन 2019 से अब 2023 आ गया, इसके अंदर जाति के नाम पे धार्मिक कार्यक्रम जरूर होने लग रहे हैं, बेरोजगारों की बात नहीं उठ, मतलब बेरोजगारों पे ध्यान नहीं दिया जा रहा। ऐसे कोई कार्यक्रम नहीं उठ रहे जिन पे बेरोजगारों को लेकर चर्चा की जाए, बेरोजगारी नौकरी दी जाए। 2019 से लेकर अब तक की जॉब बहुत कम कर दी है। नंबर पर हरियाणा पूरे भारत में पहले नंबर पर है बेरोजगारी हरियाणा, सोच के देखो ये बात। तो कोई ध्यान नहीं, यहाँ पे हम खट्टर साहब की बुराई नहीं कर रहे, हमको सिर्फ बता रहे हैं कि भी स्थिति क्या चल रही है। आपने बालक पढ़ने सिखाए इसमें कोई शंका नहीं है, आपने बालका में स्टेडियम भरवा दिए इसमें भी कोई शंका नहीं है, लेकिन उन बालका के दिमाग पर आपने उम्मीद पाल दी जिनके गरीबा के बालक लागे थे। आज ये वही गरीबा के बालक आड़े बैठे हैं और ये भी उलाना नहीं दे रहे, सिर्फ अपने सवाल आप तक भेज रहे हैं। और क्योंकि इनका हर व्यक्ति बड़े अधिकारी से नहीं मिल सकता, हर व्यक्ति कहीं नहीं जा सकता, लेकिन हर व्यक्ति का सवाल इस चैनल के माध्यम से कोशिश है कि हम पहुँचा सकें, शायद किसी का दिल पसीज जावे
अरे इनकी नौकरी लग जावे, और तो कोई बात नहीं, सारे हरियाणा पुलिस के बालक हैं, सबका सीईटी क्लियर है। एग्जाम्पली रैंडमली किसी ने निकाला, भाई साहब आपका कितने नंबर आए सीईटी में? 82 स्कोर है सर, नॉर्मलाइजेशन करने के बाद मेरे 72 के आसपास बनते हैं। ओके 82 स्कोर है इनका, 82 नंबर सीईटी में, चाड़े पाड़ बात से। या पिताजी के काम मजदूरी करते हैं जी पिताजी मेरे, और मतलब काफ़ी साल हो गए उनको, अभी तो वो मतलब बीमार भी रहते हैं, माँ भी बीमार है, तो घर का सारा काम ना प्राइवेट सेक्टर में जॉब करके, और इस भर्ती कारण मैंने जॉब भी छोड़ दी है, तभी घर का काम चलता है। तो समस्याएं क्या है? आपके पिताजी क्या काम करते हैं भाई जी? मेरे पिताजी अध्यापक है जी, टीचर। आपके पिताजी? मजदूर है जी। मजदूर है। आपके? किसान है जी। किसान है। हमारे पास एक्स सर्विसमैन भी हैं भाई साहब, कौन सी जॉब थी आपके? नमस्कार जी, मैं पहले आर्मी में सर्विस करता था, 18 साल मैं आर्मी में सर्विस करके आया, यहाँ पे हरियाणा पुलिस की भर्ती देखी। इस भर्ती के बारे में बच्चों ने बताया कि काफ़ी बहुत ही अच्छी और निष्पक्ष भर्ती है, जिसमें मजदूर के बच्चे, गरीब के बच्चे, किसान के बच्चे वो बेचारे लगे हैं, मगर आज उनकी ज्वाइनिंग नहीं आई है। और अभी इस बार आपने देखा हुआ है, किसान भी बेचारे मारे गए और इनके बच्चे भी मारे गए। तो मैं आप लोगों से एक रिक्वेस्ट यही है, सरकार से रिक्वेस्ट है कि बस इन बच्चों की कैसे न कसके आप लोग ज्वाइन दें, इसी में बस आपके लोगों की एक हम अपनी तरफ से एक रिक्वेस्ट डालते हैं, इसी में आपका बहुत बहुत योगदान रहेगा। तो अब भाई साहब ने सवाल लिख रखे थे जो ओएसडी साहब को, जवाहर यादव जी को लेके हैं, और वे सवाल जो चाहते हैं चेयरमैन साहब से उन पर थोड़ा सा संज्ञान लें और उनकी कुछ ना कुछ सुनवाई हो। भाई साहब पहले सवाल किन से पूछना चाहोगे? पहले सवाल ओएसडी साहब से सवाल होंगे मेरे साहब, क्योंकि हम तो सीएम से हमारी बात नहीं हो सकती, लेकिन ओएसडी साहब ये हमारे लिए तो वही सीएम हैं, और उनसे बड़ा हमारे सीएम तक हम पहुंच नहीं सकते। अगर ओएसडी साहब ने जो कह दिया वो सीएम के बराबर हमारे लिए वो फाइनल है, ऐसा लगा है आपने? हाँ बिल्कुल ऐसा लगता है जी, और विश्वास भी है हमें, परम विश्वास है, क्योंकि हम ओएसडी साहब से जब धरने पर बैठे थे तभी ओएसडी साहब आए थे वहाँ, तो उनसे बात हुई थी, तो उनकी बातों में एक विश्वास है, और उनके विश्वास से ही हमारा फाइनल सिलेक्शन भी हुआ था। उन्होंने जितना टाइम दिया था उस टाइम के अंदर हमारा सिलेक्शन और ज्वाइनिंग करके भी दिखा दी थी, उस कारण हमें उन पर परम विश्वास है जी। ओके, तो अगर हम बात कराएं ओएसडी साहब से, तो सवाल क्या है जो आप जवाहर यादव जी से पूछना चाहते हैं? सबसे पहले तो ओएसडी साहब को नमस्कार और तहे दिल से बड़ा धन्यवाद, उन्होंने इतनी लंबी तारीखों के चलते हुए जो मसला है उसको उन्होंने टाइम दे के फिक्स, करीबन 15 दिन का टाइम दिया था, लेकिन 2 दिन उन्होंने लेट ले लिए थे, आपके माध्यम से उन्होंने कह भी दिया था कि 2 दिन लेट है, लेकिन सबसे पहले तो उनका तहे दिल से इस बात से धन्यवाद कि उन्होंने फाइनली हमारा सॉल्यूशन कहीं ना कहीं निकाल के हमको दिया है। हाँ, तो पहला सवाल तो यही है कि सर जो हमारी अगली हियरिंग है, इतनी हियरिंग हो चुकी है और उन्होंने एक सोल्यूशन भी दिया है निकाल के, तो अभी 17 अप्रैल से पहले हमें ओएसडी साहब से परम विश्वास है, क्योंकि हमारा सोल्यूशन वही निकाल सकते हैं। 17 अप्रैल से पहले अगर फास्ट ट्रैक कोर्ट के ऊपर अगर हमारा सोल्यूशन हो जाए तो हमारी ज्वाइनिंग हो सकती है। मतलब आप चाहो कि भी जवाहर यादव जी आपके लिए फास्ट ट्रैक वाला सिस्टम लाएं तो ज्वाइनिंग के चांस जल्दी है? हाँ, हम जवाहर, हाँ ओएसडी साहब से हमारा नम्र निवेदन है कि वो 17 अप्रैल से पहले, क्योंकि वो एक जानकार व्यक्ति हैं और फाइनली सॉल्यूशन जो देंगे हमें उन पर परम विश्वास है। सीएम साहब से हमारी मुलाकात नहीं हो सकती, लेकिन जवाहर यादव जी से जो हमें उम्मीद है और उस उम्मीद पर वो खरे भी उतरे हैं, इसलिए हमारा उनसे एक हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि सर 17 अप्रैल से पहले अगर हो सके तो फास्ट ट्रैक कोर्ट पे हमारा सोल्यूशन या समाधान करने का कार्य आप कर सकते हैं, और हमें परम विश्वास भी इसके ऊपर सर। ठीक है, और सवाल आपके? और सवाल ओएसडी साहब से हमारा एक पर्सनली भी कह दो चाहिए, हम पब्लिसिटी के अकॉर्डिंग हमारा क्वेश्चन ये है कि अगर ओएसडी साहब चाहे तो ओएसडी साहब एजी साहब से मुलाकात करें या एजी साहब को बोले कि वो 17 अप्रैल से पहले जाएं या 17 अप्रैल के साथ ही, या 17 अप्रैल को जो हमारी तारीख है उस दिन जाके हमारी जो केस की पैरवी है वो अच्छे से की जाए, और अगर एजी साहब जाने साथ अगर पैरवी अच्छे से होती तो हमारी स्टे टूटने के आसार हमें रहते हैं, वरना हमें 10 महीने हो गए हैं सर, और अभी तक ये नहीं लग रहा कि 17 तारीख को हमारी स्टे हट सकती है, तो उस दुख के कारण हम इस चैनल के माध्यम से सर के पास ये बात स्पेशली पूछना चाह रहे हैं कि वो एजी साहब से या चेयरमैन साहब को या आईएसएक्स एक्सपर्ट वहाँ से आए, उनको सभी के साथ मिला के 17 तारीख को हमारी केस की पैरवी अच्छे से हो और सटे टूटने की हमारी उम्मीद बरकरार हो जाए। ठीक है जी, और सवाल क्या है आपके? और सवाल सर ओएसडी साहब से ये है कि अगर ओएसडी साहब स्पेशली ऑर्डर दे और सबकी मीटिंग ले
तो बहुत अच्छा रहेगा। और हाथ जोड़ के एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे, क्योंकि हमें सबसे ज़्यादा उम्मीद इसी इंसान से है, ओएसडी साहब से, हमारे नाम के। तो अगर हम, इन्होंने 15 दिन का हमें समय दिया था, एक प्रकार से हम भगवान ही मानते हैं उनको, और इतने समय में उन्होंने हमें सोल्यूशन करके भी दिया है। तो ये तो कोर्ट की स्टे आ गई है, चलो कोई बात नहीं, हमें सर्वे सर्वा है, कोर्ट तो उसकी हमें माननी पड़ेगी, लेकिन 17 अप्रैल को अगर वो जाए तो हमारा सोल्यूशन निकल सकता है सर। ओके, ये सवाल आपके हैं ओएसडी साहब ठीक से। है। अब और सवाल है क्या ओएसडी साहब से? नहीं, और सवाल ओएसडी साहब से नहीं है जी, ठीक बस है। हम अब आप चाहते हो कि एचएसएससी चेयरमैन साहब से, जी हाँ, वो कौन सा सवाल है? सबसे पहले चेयरमैन साहब को तहे दिल से धन्यवाद, और इतने ईमानदार व्यक्ति हैं। आज भी हम चेयरमैन साहब के पक्ष में हैं, क्योंकि उन्होंने इतनी फेर भर्तियाँ करवाई है। समय लगता है, कोई बात नहीं, क्योंकि कानूनी कार्रवाई लीगल अप्रोच होते हैं, हर चीज़ को एक लीगली तरीके से किया जाता है, इलीगल तरीके से कुछ भी नहीं किया जा सकता, मान सकते हैं। क्योंकि एचएसएससी की जो स्टार्टिंग में स्पीड थी सर, वो बुलेट ट्रेन की तरह थी, लेकिन आज वो स्पीड धीरे धीरे एक पैसेंजर गाड़ी की तरह हो गई है। और हमारा स्पेशली क्वेश्चन सर से ये है कि अभी लास्ट टाइम हमारी बायोमेट्रिक हुई, पहला क्वेश्चन मेरे चेयरमैन साहब से ये रहेगा कि लास्ट टाइम हमारी जो बायोमेट्रिक हुई, इस बायोमेट्रिक के बाद एक मैच लिस्ट निकाली जाए, जिस लिस्ट में ये हो कि जितने बच्चों का बायोमेट्रिक मैच हो चुका है उनका सबका डाटा उस लिस्ट में हो, ताकि हम लोग चेक कर सके कि हमारी लिस्ट मैच हो चुकी है। ओके हाँ जी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन हमारा ये है कि चेयरमैन साहब भी एजी साहब के कांटेक्ट में रहें, और उनको बोले कि हमारी पैरवी वहाँ अच्छे से की जाए, और ISI से एक्सपर्ट बुलाया जाए। और जब फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है सर, तो फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, तो हम हमारे केस की पैरवी अच्छे से क्यों नहीं कर पा रहे, और आप लोग भी क्यों नहीं कर पा रहे? अगर मुझे उम्मीद है कि अगर इस फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है, अगर आप एजी साहब से बात करके आप वहाँ पहुँचते हैं, तो 17 अप्रैल से पहले भी सटे हटने के चांसेस हैं, और 17 अप्रैल को तो चांस है ही। और दूसरी बात सर, इतनी तारीखें हमें मिल चुकी है कंटिन्यू, तो हमें कहीं ना कहीं डर है, लेकिन विश्वास भी है, डर है कि 17 से आगे भी हमें तारीख ना मिल जाए। अगर 17 से अगर आगे तारीख मिल जाएगी सर, तो हम पहले ही टूट चुके हैं, मनोवैज्ञानिक हमारे ऊपर दबाव है, अंदर से हमें पता सर क्या चल रहा है, खाली शरीर शरीर है हमारे अंदर, और मतलब सांसें के अलावा कुछ चलता नहीं है, ना नींद आती ना चैन है। कहने का मतलब कि इस भर्ती को लेकर हम इतने सीरियस हो चुके हैं सर, क्योंकि हमारे पास हमारा फ्यूचर है, इसके अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं है सर। और चेयरमैन साहब से हमारा एक हम्बल रिक्वेस्ट और भी है कि अगर सर हमारे फार्मूले पे खुद भी संज्ञान ले, हमारे फार्मूले को एक बार अपनी खुद की पर्सनल मीटिंग के साथ, स्टाफ के साथ बैठ के, या IAS एक्सपर्ट के साथ बैठ के, अगर चेयरमैन साहब इस फार्मूले के ऊपर दोबारा काम करें कि कमी कहाँ आ रही है, कि हम समझा क्यों नहीं पा रहे हैं। अगर फार्मूले में कमी नहीं है, तो हमारे केस को जीत क्यों नहीं पा रहे? अगर फार्मूले में कमी है, तो केस को अपोजिशन वाले क्यों नहीं जीत पा रहे? तो इसका मतलब हमारे फॉर्मूले में कोई कमी नहीं है। तो चेयरमैन साहब का इसके लिए मैं धन्यवाद भी करना चाहूँगा। आज भी चेयरमैन साहब के हम पक्ष में हैं, क्योंकि चेयरमैन साहब की भर्ती फेयर है बिल्कुल, इस भर्ती में कोई भी धांधली नहीं है। और चेयरमैन साहब ने जो थर्ड लिस्ट के लिए जो बच्चे थे, उस लिस्ट में कुछ बच्चे एबसेंट रह गए थे, तो चेयरमैन साहब के पास हमने डाटा पहुँचाया, उस बात के लिए भी सर का बहुत ही बहुत धन्यवाद, क्योंकि सर ने उसके ऊपर एकदम संज्ञान लिया, और उस संज्ञान के बाद उन्होंने अपनी एक पर्सनल वीडियो भी जारी की कि हमसे भूल हो गई है और कुछ बच्चे और रह गए हैं, तो 833 बच्चों का डाटा उन्होंने दोबारा से जारी कर दिया है। तो सर से एक बार फिर से हम्बल रिक्वेस्ट है कि सर खुद IAS एक्सपर्ट को साथ बिठाकर एजी साहब से मीटिंग करें, या जो भी उनसे मिले जैसे भी है, कि वो खुद जाएं 17 अप्रैल को, और 17 अप्रैल को हमारी पैरवी करें, और हमारे सटे हटने के चांसेस है, और उससे पहले फास्ट ट्रैक पे भी हमारा सोल्यूशन ऐसा हो सकता है सर। ये सारे सवाल आपके, हाँ हाँ जी, कोई हाँ। और सवाल? और सवाल सर, और तो तहे दिल से धन्यवाद है सर का, और तो कुछ नहीं। जी देखो भाई दीपक जी, ठीक है सर, ये बच्चे इतनी अच्छी बात कह रहे हैं, और ये तो देखो बधाई के पात्र हैं, हमारे OSD साहब भी पात्र हैं जी, और भोपाल सिंह खत्री जी भी पात्र हैं, लेकिन अभी ये जो इनका सबसे बड़ा डर है वो यही है कि भाई ये जो अभी तारीख मिली हुई है, इस तारीख पे हमारा जो पैरवी है वो बहुत स्ट्रोंगली होनी चाहिए, और ये बात कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि देखो फॉर्मूले में तो अभी तक जितना वो है कोई कमी है नहीं, और एक जैसा ही फॉर्मूला सबके ऊपर अप्लाई है। अब नॉर्मलाइजेशन अगर होगा तो सर ऊपर नीचे तो चीज़ें होती हैं, ये SSC में भी होती हैं, लेकिन हमारे हरियाणा में जहाँ तक मैं देख रहा हूँ,
अब सीट ही हुआ है, अब जो चारों तरफ चल रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि उस पर भी सटे हो जाएगा, कोई ना कोई जाके कोर्ट में खड़ा हो ही जाता है बच्चा। बस वो अधिकार है उनका कानूनी, उसको हम रोक नहीं सकते, वो तो जाएगा भाई, हमारे देश में है ये मौलिक अधिकार है। तो अब वो जाते हैं, फिर उस पर कोर्ट कह देती है भाई रोको रोको, तो गए ख़त्म भाई, लटक गई सारी। अब ऐसा ही चल रहा है 2019 से, बार 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 जो सरकार पेपर ले रही है उसको कोर्ट में अटक जाती है वो, और जो सरकार पेपर नहीं ले रही वो वैसे ही अटके बैठे हैं। अब सीईटी के बेसिस पे ये जो वैकेंसी आई थी इनमें भी फॉर्म में थोड़ा डिले हो रहा है, ठीक है, वो 16 तारीख से स्टार्ट होने थे सर, उसमें भी लगभग 10 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो कहा अभी रिक्वेस्ट ये है जी, ये साल बच्चों के लिए, क्योंकि इलेक्शन से पहले का आखिरी साल है, बहुत ज़रूरी है, और ये जितने भी हमारे भाई ने जितने भी मुद्दे रखे हैं ये बहुत जेन्युइन है, हर बच्चे के दिल दिमाग में बिल्कुल यही है, ज्वाइनिंग कब होगी, ज्वाइनिंग कब होगी, इतनी तारीख मिल चुकी हैं, सनी देओल वाला डायलॉग है ना, तारीख पे तारीख तारीख, वो मिलती जा रही हैं, 10 महीने हो चुके हैं भाई। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूँगा माननीय हमारे जो भी ओएसडी साहब हैं और जी भोपाल जी हैं, तो एक ज़बरदस्त पैरवी इस बार 17 अप्रैल को दिखाएं और बच्चों के हक में फैसला आए, और आगे तारीख ना मिले, कोशिश ये हो बस, बहुत हो चुकी है जी तारीख मेंटली। वो आपके पास कोई सवाल जी? सर एक लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा कि ये बच्चे बेरोजगार तो थे, क्योंकि ये हर जगह कोई ना कोई तो काम कर रहा है अपने परिवार के लिए, कुछ अनमेरिड हैं कुछ मैरिड भी हैं, तो अभी क्या है कि जब पता लगा इनको भी हमारी बायोमेट्रिक हो गई है या होने वाली है, तो इन्होंने वहाँ से भी रिजाइन दे दिया, और वह ये अभी वहाँ पे भी नहीं कर सकते, तो इनको एक दिल में एक उम्मीद जागी थी कि हमारी भर्ती पूरी हो गई और कल हमने जाके ज्वाइन कर रहे हैं, तो इनके साथ यानी कि हरियाणा में एक कहावत है बोलो पिटते के दो जूत और सही, तो वो कहानी हो रही है। तो मैं यही कहता हूँ कि सरकार कुछ ना कुछ करे और जागे और इनका थोड़ा सा भविष्य एक प्रकाश की तरफ लेके जाए। ये 6600 बच्चे नहीं है, इनके साथ में इनके पेरेंट्स भी जुड़े हुए हैं, इनके इनके बच्चे भी जुड़े हुए हैं, ठीक है, तो ये करीबन एक 10 से 15 हज़ार का एक परिवार बन रहा है पूरा। तो इन लोगों की तरफ कृपया करके सरकार ने ध्यान दे, और मैं लास्ट में यही कहना चाहता हूँ मैं आप लोगों को सभी का धन्यवाद पात्र हूँ जो आप लोगों ने हमारी बात सरकार तक पहुँचाई, धन्यवाद, राम राम। तो भाई देखो ये वो बच्चे हैं जिनके पिताजी किसानी कर रहे हैं, जिनके पिताजी मजदूरी कर रहे हैं, जिनके पिताजी मनरेगा में काम कर रहे हैं। अब अगर खट्टर साहब इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो ज़रूर सोचें कि भाई आपके कहने पर पढ़ने लग गए थे और आज ये आड़े बैठे हैं, और यहाँ पे भी कुछ उम्मीद लेके बैठे हैं कि दोबारा खट्टर साहब के संज्ञान में अगर हमने यहाँ तो इब आ जावा, ओएसडी साहब के संज्ञान में अगर हमने यहाँ तो अब आ जावा, चेयरमैन साहब इनकी भावनाओं को समझे। सिर्फ मांग यही है इनकी, नौकरी तो इन्होंने ले ली, सिर्फ मांग ये है इनकी पैरवी स्ट्रोंग की जाए। बिल्कुल, बस अब तो यही है, मामला यही है। हाँ यही मामला, ये कोई सिफारिश खातर या नौकरी खातर नहीं बैठे, सिर्फ ये इनका अधिकार कि जी इनकी पैरवी स्ट्रोंग की जाए। बैश स्टे लेने वाले इतने मजबूत हैं, नौकरी देने वाले इतने भी क्यूकर हैं, मामला ये हुआ है। तो फिलहाल यह वीडियो इतनी है, आप अपनी राय जरूर कमेंट बॉक्स में दें, हरियाणा पुलिस के बालक अपनी राय दें, आपके लिए कोई ऐसी समस्या है तो। धन्यवाद, जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू ब्रो भाई।